अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन्होंने अभी तक कोर्स सिलेक्शन अपनी नहीं की उनको क्या नुकसान है, जिन्होंने कोर्स सिलेक्शन अभी तक अपनी नहीं की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। देखें, जैसे कि आपको पता है कि रिज़ल्ट तो अपडेट होना ही है, अब तक होना होता तो हो जाता। 15 तारीख जो है रिज़ल्ट कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है, सॉरी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट जो है वो 15 तारीख है। 15 नवंबर को जो है आपकी कोर्स सिलेक्शन की डेट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप ने अगर कोर्स सिलेक्शन नहीं की हुई होगी तो आप इनएक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन जिन्होंने नहीं की हुई उनको नुकसान ये होगा कि उनके 15 दिन शुरू के ज़ाया हो गए। अब जब वो कोर्स सिलेक्शन 15 तारीख तक उनको करनी तो पड़ेगी, आज करें या कल करें, कल 12 बजे करें, करनी तो पड़ेगी। जब अगर वो आज करते हैं या कल करते हैं, उसका नुकसान होने ये होगा कि उनके शुरू के 15 दिन ज़ाया हो गए। अब जब वो कोर्स सिलेक्शन करेंगे साथ ही उनके असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, GDBs आना शुरू हो जाएंगी, क्विजेज आना शुरू हो जाएंगे, और आता जाता उन्हें कख नहीं होगा। कैसे वो असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करेंगे मुझे बताएं। फिर एक ग्रुप से में जाके मांगेंगे, दूसरे ग्रुप से में मांगेंगे, तीसरे ग्रुप से मांगेंगे, साथ ही पता चलेगा जी मिड टर्म आ गया। मिड टर्म में फिर आप लोग कहेंगे कि जी वीयू ने स्ट्रिक मार्किंग कर दिया, जब उसका रिजल्ट आएगा। तो फिर देखें, हमारी ही कुछ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। एक दफ़ा वीयू ने कर दिया ना, गलत किया, सही किया, जो भी किया, वीयू ने गलत किया, रिजल्ट अनाउंस गलत किया, पुरानी ग्रेडिंग स्कीम के साथ नहीं किया, नई ग्रेडिंग स्कीम के साथ किया, जो भी किया हो गया, ठीक है। अब वीयू भी नेक्स्ट टाइम अगर उसने ये गलती की है तो नेक्स्ट टाइम गलती कभी भी नहीं करेगी। उसे पता है कि इस दफ़ा स्टूडेंट्स ने इतना हंगामा किया तो नेक्स्ट टाइम तो ये सर भी फाड़ने के उतरेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, बार बार अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ, कोर्स सिलेक्शन तो एटलीस्ट करें ना। अगर रिजल्ट अपडेट होना हुआ तो सबका हो जाएगा, तो कोर्स सिलेक्शन लाजमी कर लें। यह ना हो कि आपकी कोर्स सिलेक्शन के साथ ही जो है वो आपकी कोर्स सिलेक्शन के साथ ही असाइनमेंट्स GDBs आपकी शुरू हो जाए, तो आपको आता जाता कख नहीं होगा। और कुछ स्टूडेंट्स इस प्लेखे में ना रहें, उनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जिसको व्यू करना लाजमी होगा, ठीक है। तो 15 दिन के बाद आप क्या व्यू करेंगे? 15 दिन के बाद अगर आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं, यानी आज भी अगर आप करते हैं, तो शुरू के 14 लेक्चर्स आपको व्यू करना पड़ेंगे। देखिए, अगर आप व्यू कर ही रहे हैं लेक्चर, व्यू करना ही है, व्यू ने मैंडेटरी कर दिया है, तो फिर आप पढ़ लें, व्यू करें, आप उसको आधा घंटा टिक के बैठ जाएँ, देख लें लेक्चर को, ठीक है, समझ लें उसको, क्या जाएगा आपका, नहीं जहन में बिठाना, नहीं कुछ करना, एटलीस्ट देख लें, आप एक अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें, ताकि आपको आगे आसानी हो, मुश्किल ना हो, ठीक है। बस ये मैंने आपको वीडियो में बताना था, बाकी आपकी मर्ज़ी, कोर्स सिलेक्शन करते हैं नहीं करते, मेरा काम था आपको सजेशन देना। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।